हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मैथ के रिगार्डिंग। फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम। लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन, और हम नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट्स में कुछ सेट और करेंगे ताकि हमारे सभी क्वेश्चन सभी वेराइटीज़ कवर हो सके। तो उससे पहले मैं भी हर एक सेट के बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आता रहूँगा, और आप अच्छे से समझना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। कैसे फाइंड आउट करें हम यूनिट डिजिट? तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए पहले अलग अलग डिफरेंट रूल है। हम पहले एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल एक एग्जांपल देखो आप। जैसे हमने 485 प्लस 98321 प्लस 78932 प्लस 12345, अगर हम इस चीज़ को यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमारे लिए मुश्किल है कि हम इसको कंप्लीट को ऐड नहीं कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस में लास्ट वैल्यू को हमें ले लेना है। पाँच लास्ट डिजिट को हमें वहाँ से कैरी कर लेना है। जैसे ये 5, 2, 1, 7, इस सबको जोड़ देना है। इन सबको ऐड करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो कि क्या मिला, 7, 1, 2, 5, 15, और जो लास्ट डिजिट होगी वही क्या होगा, आपका आंसर होगा यूनिट डिजिट। ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। ये है एडिशन। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या, उसमें एडिशन में क्या था कि सभी यूनिट डिजिट होगी जो भी लास्ट, उनको ऐड कर देना। और इसमें क्या करना, लास्ट डिजिट का क्या कर देना, मल्टीप्लिकेशन करा देना। जैसे 4857 लास्ट डिजिट क्या, 7, 9358831 लास्ट डिजिट 1, और इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 4, इसकी 7। अब सबको क्या कर रहा ना, मल्टीप्लाई किया। 7, 1 जा 7 इंटू 4, 7, 4 जा कितना हो गया, 28। अब लास्ट डिजिट क्या हो गया, 28 की लास्ट डिजिट क्या होगी, 8 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 7 से, तो 8, 7 जा 56, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 6। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको ऐसे सोल्व कर लेना है। व्हेन पावर इज गिवन, अब हम क्या करेंगे, एक एक को स्टेप बाई स्टेप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में लास्ट डिजिट क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमें पावर गिवन होती है, कोई भी पावर, जैसे सपोज करो 32 5 की पावर 9 T8, ठीक है, ये है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, उसमें यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 5, इसकी पावर 98 लिखा हुआ है। तो ये जो पावर है, या इवन हो या ओड हो, जब भी यूनिट डिजिट 5 होगी तो हमेशा आंसर 5 ही रहेगा। पावर ओड हो या इवन हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो ये जितने भी है 0, 1, 5 और 6, जब कभी भी यूनिट डिजिट ये आएंगी 0, 1, 5 और 6, तो हमारा आंसर हमेशा यूनिट डिजिट ही होगा। जैसे 0 है तो पावर ओड हो या इवन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 to 5 की पावर 88, तो डिजिट रही 5 ही। 1 की पावर कितनी भी हो, इवन ओड, कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1। और ऐसे ही 6 की पावर कितनी भी हो, तो हमें याद कर लेना इसको, हमें याद रखना, हमें 0, 1, 5, 6 की पावर इवन हो या ओड हो कोई मैटर नहीं करेगा, हमेशा यूनिट डिजिट वही सेम होगी। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। अब नेक्स्ट, तो इसके अलावा हमारे पास क्या बचे, 248। अब 248 काफ़ी अच्छा है। 248 को आप समझिए ऐसे, जैसे सपोज करो 448 इसकी पावर हमने लिखी हुई है 33, ठीक है, हमें इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो 8 हमें सबसे पहले इस पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर लेना। 4 से आपने इसे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आया, 32, तो हमारे पास 1 बचा। 4, 8 जा 32, तो हमारे पास बचा 1। मीन्स क्या है, इस डिजिट की पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी वही इसकी पावर हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। अगर ये कंप्लीट डिविजिबल है, इफ़ ये कंप्लीट डिविजिबल है,
लेट कैसे कंप्लीट है, जैसे 32 की पावर 4, इसको जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, 6। जब भी कंप्लीट डिविजिबिलिटी होगी तो आंसर होगा हमारा 6, अदरवाइज क्या होगी, पावर। जैसे अभी 32 की पावर 4/4 तो हमारी आया 6, मीन्स क्या, 2 की पावर 4 जाएंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो मीन्स 6 आ रहा है 2 की पावर। तो ऐसे ही हमें वो करना है, तो 2 = 4 = 8, सपोज करो आपके सामने ये लिख दिया 2 = 4 की पावर 34, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप इसको डिवाइड करोगे 4 से, तो आप 32, 4 × 8 = 32, बचा क्या, 2, तो यही 2 क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी, 4 की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो अब सिंपली सोल्व कर लेंगे, 4 × 4 क्या होता है, 16, तो यही क्या हो जाएगा, 4 हमारा, 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। अब है नेक्स्ट, अब हमने सोल्व कर लिया 2, 4, 8 और 0, 1, 5, 6, अब हमारे सामने है 3 और 7। 3 और 7 में भी हमें सेम यही रूल अप्लाई करना है, 4 से हमें डिवाइड करना है। अगर 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, जैसे 17 की पावर यहाँ पे लिखा हो 88, आप अगर 4 से डिवाइड करो तो ये कंप्लीट डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा, तो जो 7 यूनिट डिजिट है इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1। जब भी 4 से कंप्लीट डिविजिबल होगा 1, 3 और 7 का जब भी कंप्लीट डिविजिबल होगा तो 1, अदरवाइज क्या करेंगे हम, पावर करेंगे। पावर कैसे, जैसे 13 की पावर लिखा हो 3, अब ये 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, मीन्स क्या, 3 की पावर 3 है, तो क्या होगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 7। ऐसे सिंपली कैलकुलेट कर लेना अदरवाइज। नेक्स्ट अब 9, अब सब आपने कर लिया है, 3, 7, 2, 4, 8, 0, 1, 5, 6, ये सब आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब बचा है लास्ट 9 और 9, 9 में क्या होगा, इवन पावर होगी तो आपका आंसर हमेशा 1 होगा, और ऑड पावर होगी तो आपका आंसर हमेशा 9 होगा। जैसे 9 9 जा, 9 का स्क्वायर करो, जैसे 9 का स्क्वायर क्या, ये क्या है, इवन पावर है, तो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, जैसे 81 तो 1 आ गया। ऐसे ही 9 की अगर ऑड पावर होगी, जैसे 3 है, तो क्या आएगा, 729, तो ये 9 क्या है, यूनिट डिजिट, तो ऑड पावर होगी तभी 9। और फिर अब देखो, जैसे कि पावर को कैसे ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ सिंगल पावर, इनको ऐड करने का मैंने काफ़ी इनमें बताया आपको, आप आसानी से इन चीज़ों को नोट कर लीजिए और आगे आने वाले क्वेश्चनों में करिए, जो कि मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। जैसे इसमें लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 2, 10, ये 10, 11, 12, 13, जितना अप टू 100,000 जितना भी होगा, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, n इंटू में n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जैसे इसमें 10 टर्म है, और इंटू में n प्लस का 1/2, तो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे क्या, एडिशन ऑफ डबल पावर, अगर पावर 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस, ये एक कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है, तब हम सोल्व करेंगे इस तरीके से, n n + 1 2n + 1/6। ऐसे ही एडिशन ऑफ ट्रिपल पावर, ट्रिपल पावर को भी हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, 1³³ 1² ये भी कंटिन्यूस दे रखी है, तो हमें 5 टर्म है, तो हम क्या करेंगे, 5 5+1/2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से रीड कीजिए। फॉर इवन और ओड टर्म, अगर इवन और ओड टर्म में सीरीज चल रही है 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे चल रही है 2, 4, 6, तो हम ऐसे सोल्व करेंगे n n+1 n+2/6, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, आपको सोल्व कर लेना। ये छोटी चीज़ दिखाई 679, ऐसे कोई चीज़ लिखी हो, उसका फेस वैल्यू क्या होती है, हमेशा पूछता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू इज 7, क्यों, ये 7 रहेगी फेस वैल्यू हमेशा इसकी, और प्लेस वैल्यू हमेशा 2 डिजिट में रहेगी, 2 डिजिट में मीन्स क्या, प्लेस 1 इन 9 के बाद है ना, मीन्स तो क्या होगा 70+9, ऐसे ही तो होता है 79, तो हम प्लेस वैल्यू कैसे बढ़ती है, 10 × 1 100 × 1, ऐसे क्या है 7 × 10, तो ये हमारी प्लेस वैल्यू है। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, होप यू लाइक इट वेल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ बैक टू बैक।
Thank you, friend, and connect with us for more videos.